हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डू एएमसी वर्कशीट नंबर 11। टाइटल ऑफ द वर्कशीट इज कोलैबोरेशन, सहयोग। सहयोग ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। सहयोग, आपस में हमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से काम आसान बन जाता है और काम को करने के विभिन्न तरीकों का पता लगता है। तो आइए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीन फ्रेंड हैं। मुझे समझ तो आ गया है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तीसरा दोस्त कहता है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। तो ये तीनों दोस्तों को प्रोजेक्ट मिला है। एक को समझ नहीं आ रहा है, एक कह रहा है कि मेरे पास प्रोजेक्ट का सामान नहीं है, और तीसरा दोस्त कह रहा है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मैं संतोष से ले सकती हूँ, क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। तो उसके दोस्त ने कहा कि चलो तीनों मिलकर करते हैं। वही क्या है, कोलैबोरेशन है, सहयोग है। नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। दूसरे दोस्त ने कहा, यार साथ करेंगे तो झगड़ा भी हो सकता है और समय बर्बाद हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। कोलैबोरेशन से देखो आइडियाज आते हैं। तीन माइंड एक ही चीज़ पर जब काम करेंगे तो नए नए आइडिया आएंगे, नए तरीके से वो कर पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं हम। हमारी विद्यालय टीम में भी प्रधान अध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर्स आदि से लेके सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम से उन चार व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। आप देखो स्कूल में जाते हैं तो आप देखेंगे स्कूल में जितने भी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, स्वीपर सफाई करता है, जो हमारी प्रधान अध्यापक होती है वो स्कूल का निरीक्षण करती है, तो हर एक का सहयोग होता है। एसएमसी मेंबर्स हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, स्कूल नहीं आते तो उनके घर जाते हैं, पेरेंट्स को अवेयर करवाते हैं, और विद्यार्थी भी स्कूल को, विद्यार्थी तो बल्कि केंद्र बिंदु होते हैं स्कूल का। यदि स्कूल के विद्यार्थी अच्छे हैं तो स्कूल जो है वो अच्छा चलता है। तो कोलैबोरेशन होता है हर एक्टिविटी में। आप अपने चारों तरफ देखोगे, कोलैबोरेशन की भावना, सहयोग की भावना होती है और तभी काम अच्छे रूप से हो पाता है। तो आप सुबह सुबह असेंबली करते हैं, स्कूल असेंबली आजकल तो नहीं कर रहे कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जब स्कूल खुले थे तब आपने देखा होगा असेंबली में कौन कौन आवश्यक लोग सहयोग कौन देते हैं। आपका जो है शारीरिक शिक्षिका है वो आपको कमांड देती है, आपकी जो म्यूज़िक टीचर है वो वहाँ पर जो है राष्ट्रीय गाने, राष्ट्रीय गीत के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाती है, फिर आपकी जो हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल है वो सामने आपको एड्रेस करती है, क्लास टीचर आपके लाइन को ठीक करवाते हैं। तो उन चार व्यक्तियों को आपको बॉक्स में नाम लिखना है। तो वो चार कौन कौन हो गए हैं ये देखिए आप। एक तो शारीरिक शिक्षिका जो कमांड देती है असेंबली में, संगीत अध्यापिका इंस्ट्रूमेंट बजाती है, प्राचार्य आपको एड्रेस करती है, कक्षा अध्यापिका आपकी अटेंडेंस लेती है, आपकी लाइन को सही परफेक्ट वे से बनवाती है। तो देखो उसमें भी सुचारू रूप से अच्छे तरीके से स्कूल असेंबली तभी होती है जब उसमें सहयोग की भावना होती है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं, खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके तो बताइए। देखो एक छोटी सी एक्टिविटी है डिनर, रात का जब डिनर बनता है तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनसे पूछा जाता है कि आप क्या खाना पसंद करोगे, फिर वो जो है उसको वो चीज़ें उसके लिए रॉ मटेरियल उसको बाज़ार से लाना भी होता है, वो फिर बाज़ार से लाने के बाद उसको क्या वेजिटेबल है तो उसको चॉप भी किया जाता है, फिर वेजिटेबल को बनाया जाता है। तो इसमें देखो परिवार के सभी लोगों का कोलैबोरेशन होता है। एक छोटी सी एक्टिविटी, खाना बनाने वाली एक्टिविटी में मान लो आपने प्लान बनाया कि रात को आज जो है पनीर बनेगा, मटर पनीर बनेगा और दाल बनेगी,
तो आप मटर पनीर बनाने के लिए मटर भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, वो कौन लेकर आता है? आपके पापा लेकर आते हैं बाजार से, तो पापा का भी सहयोग है खाना बनाने में। फिर वो घर आते हैं, उनको वॉश करते हैं, मान लो आप वॉश करते हो वेजिटेबल्स को, तो आपका भी खाना बनाने में सहयोग है। फिर आप अगर चॉपिंग में हेल्प करते हो तो आप भी खाना बनाने के लिए सहयोग दे रहे हो, आपकी मम्मी फिर खाने को बनाती है। तो देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी में हमारी लाइफ में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, कोलैबोरेशन की बड़ी आवश्यकता है। इससे सब लोग खुश होते हैं क्योंकि सबका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक ही आदमी अगर काम करेगा तो उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो परिवार में शांति होगी। तो एक सहयोग से सारे जो है घर का माहौल डिसाइड होता है, तो हमें आपस में सहयोग करना चाहिए जितना हो सके। अपनी मम्मी के काम में हेल्प करें, पापा की करें, और तब जो है परिवार में शांति रहेगी। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगेगा कि घर में अच्छा माहौल तैयार करने के लिए आपस में हमें सहयोग करना चाहिए, हर मेंबर को अपना योगदान देना चाहिए। अब देखिए, खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। अब खाने में क्या क्या बना, आपके परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, तो चारों से राय ली गई कि आपको खाने में क्या चाहिए, और फिर कौन क्या काम करेगा ये कैसे डिसाइड किया गया। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो अगर वेजिटेबल को चॉप करेंगे तो उंगली कट सकती है, तो उनके एबिलिटी के अनुसार उनको काम दिया गया। छोटा बच्चा है तो वॉश करने का दे दिया, अगर बड़ा बच्चा है तो चॉपिंग का दे दिया, और जो जिस काम में निपुण है उसके अनुसार उसको काम दिया गया। मम्मी को खाना बनाना अच्छा आता है, पापा नहीं, पापा कम बनाते हैं, पापा को कम खाना बनाना आता है, तो उनको क्या कहा, बाजार से वो सब्जी लेकर आए। तो सहयोग की भावना कब पनपती है, जब हम किसी के सामर्थ्य के अनुसार हम उसको काम असाइन करें, और हमने तय किया कि सभी को, सभी की राय को हमने सम्मान देना चाहिए। बच्चे से भी पूछा, मम्मी से भी, पापा से, फिर हमने डिसाइड किया कि जो है हम क्या बनाएंगे। ओके, इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। अब देखो, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि आज से हमको क्या बनेगा, तो क्या मतभेद हो सकता है। बच्चा कहेगा कि मुझे जो है मटर पनीर खाना है, पापा ने कहा नहीं मुझे मटर पनीर नहीं खाना, मुझे दाल खानी है। तो फिर कैसे मतभेद को दूर किया गया, फिर ये कहा गया कि आज चलो आपकी चॉइस का खाना बनेगा, कल आपकी चॉइस का बनेगा, और फिर जो है ऐसे मतभेद दूर हुए। तो सुलझाए कैसे, कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कभी एक, तो सहयोग की भावना में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन एक ही बंदा रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करे उससे सहयोग नहीं होता है, हर एक बंदे को एक दिन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और इस तरह से आपस में मिल बैठ के बात करके हमने मतभेद को सुलझाया। तो ये आपको अपने आंसर में लिखना है। ओके, तो आज की वर्कशीट जो है आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए एक अच्छा गुण, कोलैबोरेशन, सहयोग आपके अंदर जरूर होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। उससे आपके समाज में रिलेशन अच्छे बनेंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसे समाज में रहना है, और यदि वो सहयोग नहीं करेगा तो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। एडजस्टमेंट के लिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।